मैं एहसान उल हक मलिक सम्मान न्यूज से हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता यूसुफ अजीज साहब। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सारी कौमें मुत्तहिद हो गई, मुस्लिम क्यों नहीं हो रहा है। बात समझना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, अपने मुकद्दर को, अपनी किस्मत को, अपने मुस्तकबिल को, भविष्य को उजाले में लाना चाहेंगे, तभी बात बन पाएगी। 7-0 तभी बात बन पाएगी, वरना खाली तकरीर करने से, मीडिया में बात करने से, बैठ के बैठका कर लेने से कुछ होता नहीं है। ये तारीख का सबूत है, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ किरदार से, करके दिखाने ही से कुछ अमल में आया। इसके लिए कोई ईमानदार आदमी गैर ईमानदार आदमी होने का कोई वो नहीं है, कोई उसकी शर्त नहीं है। कोई भी मेहनत करेगा, अपने किरदार को खरा बनाएगा और इंसानियत को, बल्कि तमाम मखलूकात को उनकी कमज़ोरी, उनकी बुरी हालत से उनको ऊपर उठाने के लिए मेहनत करेगा, तो ये वो आदमी कामयाब होगा। वरना समाज में हमेशा ये होता रहा है, कुछ लोग जो समाज के, हमेशा कहना ये चाहिए कि मानवात्मा के शोषक रहे हैं, वो किसी मुल्क में, किसी ज़माने में हुए हों, चाहे ईरानी ब्राह्मणिज्म हो, यूनानी ब्राह्मणिज्म हो, धार्मिक ब्राह्मणिज्म हो, नास्तिक ब्राह्मणिज्म हो, भारत के ब्राह्मणिज्म हो, कोई भी हो, कुछ लोग समाज के अंदर ऐसे हैं जो और दूसरे लोगों को 90-95% लोगों का शोषण करते आए हैं, और आज भी वही हो रहा है। और मुफ्त में ये 95% लोग पिसते चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी सिर्फ अपने को सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन बनाना सोचते हैं, पूरी कौम को साथ में लेकर के आगे बढ़ें, पूरी कौम का मुकद्दर बदल दें, पूरी कौम की मसीहाई करें। ऐसा आदमी, ये कोई अकेले का काम नहीं है, तन्हाई का काम नहीं है, ये समाज को, समाज जब तक के खुद अपने को बदलना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती उसको बदला नहीं जाता, कोई नहीं बदलता। इन्नल्लाह ला युगज्जिरु मा बिकौमिन हत्ता युगज्जिरु मा बिअन्फुसिहिम। ये इस समाज के इंसानों को, तमाम मखलूकात को जिसने पैदा किया है, उसका ये उसूल है। जो समाज अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जद्दोजहद नहीं करता, उसको ज़बरदस्ती कुर्सी पे नहीं बिठाला जाता, उसको ज़बरदस्ती आसमान पे नहीं उठाया जाता, उसके मुकद्दर को नहीं बदला जाता, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, और वो अपनी हालत पर शोषक, मानवात्मा के शोषक के मातहती में ज़िंदगी गुजार गुजार करके अपने आप को मिटा लेता है, कुछ कर नहीं पाता, हमेशा से ये रहा है। बातें कहने के लिए बहुत कुछ है, लोग कहते रहते हैं। छोटी सी हमारी ये बात है, छोटा आदमी छोटा मुंह बड़ी बात, के हम जब तक के अपने पैरों को, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद जद्दोजहद नहीं करेंगे, और ये मानव आत्मा के शोषण के, जो कुर्सियों पर बैठ पर और पार्लियामेंट पर, विधानसभाओं पर, बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़ी बड़ी नौकरियां कर करके ये अपनी कोठियां बनाते हैं, और अपने समाज के अंदर कुछ लोग, बहुत से लोग 95% लोगों का शोषण करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी अगर हम नहीं खड़े हुए, अब भी अगर हम नहीं जागे अब भी अगर हम नहीं जागे, तो आगे ज़बरदस्ती कोई हमको जगाएगा नहीं, जगना हमको पड़ेगा, बेदार हमको होना पड़ेगा। कोई हमको ज़बरदस्ती बेदार नहीं करेगा, कोई आ करके हमारी उंगली पकड़ कर आगे नहीं चलाएगा, चलना हमको खुद पड़ेगा। हम खुद ये अहद कर लेंगे, ये हमेशा के लिए तय कर लेंगे कि हमको खुद खड़ा होना है, और समाज का एक एक आदमी इस अहद को लेकर के खड़ा हो जाएगा, हमारा समाज आगे जा कर के आइडियल समाज बनेगा, ये उसूल है।
इस्लाम ने पूरी दुनिया को सलाहियत दी है, लेकिन खास करके भारत का मुसलमान उन तमाम सलाहियतों से दूर है। ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक दूसरे में इत्तेहाद कैसे पैदा हो। आपस में हम लोग मुत्तहिद कैसे हो सकते हैं? अभी बात हुई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा यही चाहा करते हैं, जो समाज के कमज़ोर लोग हैं वो मुत्तहिद ना होने पाए, उनके अंदर कोई ताकत उभर के सामने ना आने पाए। ये होशियार हो जाएंगे, ये ताकतवर बन जाएंगे, ये मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमारे पेट पर लात पड़ जाएगी, हमारी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी, हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी, हमारी साख खतरे में पड़ जाएगी। इसकी वजह से हमेशा ये रहा, हर ज़माने में रहा, हर मुल्क में पहले भी रहा, आज भी है कि उन लोगों की साजिश होती है, उनका ये प्रोपेगंडा होता है कि हमेशा ये चाहा जाता है। हर एतबार से वादे किए जाते हैं तरह तरह के, इक्तसादी ज़िंदगी को नुमाया बनाने के लिए, समाज के अंदर खड़े होकर के सीना तान कर चलने के लिए सरकारी आदमी नेता वो वादे करता है, और वादा कर कर के ये अपना काम बना लेते हैं, उसके बाद इनको भुला दिया जाता है, जानबूझकर भुला दिया जाता है। लाख को याद दिलाता है, पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख के कोई उनके कान में ठोंसे, फिर भी वो बेदार नहीं होते, वादे उनको याद नहीं आते हैं। ये हमेशा रहा, आज नया नहीं रहा। इत्तेहाद पैदा करने के लिए बात यह है, कहा भाई साहब ने हमारे अंदर इत्तेहाद क्यों नहीं है। ये एक रिवायती जवाब देने के बजाय हम एक दूसरे अंदाज से जवाब देना मुनासिब समझेंगे कि मुत्तहिद होने के लिए जो हमारे खालिक मालिक ने जो हमें उसूल दिए थे उसको हमने सबसे पहले भुला दिया। और भुला कौन देता है? इंसान को पिछड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, वो इत्तेहाद को समझने के लायक ही नहीं रहता। इत्तेहाद पैदा कहाँ से करेगा? इत्तेहाद पैदा करने के लिए, मुत्तहिद होकर के समाज में जीने के लिए उसके अंदर सलाहियत तो अंदर बदन में मौजूद है, मगर जिंदा नहीं करने, जिंदगी में आने के लिए तैयार नहीं है। जिंदगी को नुमाया बनाने के लिए जिंदगी, आप कहिए कि कोई भी कौम अनजान से बेखबर कौम कभी बेदार नहीं हो सकती, अनजान से बेखबर समाज कभी बेदार नहीं हो सकता। और इस्लाम आया था इसीलिए पूरी कायनात के अंजाम को बनाने के लिए, और ऐसी उम्मत को बनाने के लिए कि अपने अलावा जितने लोग दुनिया के अंदर रहते हैं उनके अंजाम को सुधारने के लिए ये उम्मत, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को मबूस फरमाया था। आज ये उम्मत खुद इत्तेहाद क्या चीज़ है भूल चुकी है, और इत्तेहाद का लफ्ज़, इत्तेहाद की फलसफी खुद याद है, मगर इत्तेहाद अमली तौर पर समाज के अंदर अमली तौर पर हिकमत अमली के ज़रिए से पैदा करके दिखा दे, ये सलाहियत आज ये कौम भूल चुकी, खो चुकी है। मुसलमानों में जो ब्राह्मणवाद है उसको कैसे खत्म किया जाए? ब्राह्मणिज्म हमने अभी कहा, ब्राह्मणिज्म चाहे मुस्लिम ब्राह्मणिज्म हो, हिंदू ब्राह्मणिज्म हो, ईरानी ब्राह्मणिज्म हो, यूनानी ब्राह्मणिज्म हो, मगरबी ब्राह्मणिज्म हो, मशरिकी ब्राह्मणिज्म हो, कोई इज्म हो, ये शोषणवाद, मानवात्मा के शोषक हमेशा रहे हैं, आज भी हैं। इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम चाहते हैं ये चीज़ ख़त्म हो जाए और जो असल चीज़ है उसको लेकर के सब लोग खड़े हो जाएं, तो हमें कुछ जारहाना अमल अपनाना पड़ेगा। उनके साथ आप कहिए, आवामी जबान में कहिए, पब्लिक लैंग्वेज में कहिए कि कुछ उन बड़ों के साथ में कुछ बदतमीजी हमको करना पड़ेगी, उनको उस ऊपर की कुर्सी से जो सातवें आसमान पर बैठ जाते हैं फिर उतरने का नाम नहीं लेते हैं, उनको कुर्सी समेत नीचे घसीट के लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये ब्राह्मणिज्म ख़त्म होगा। आप इसको बदतमीजी कह लीजिए, जारहाना अमल कह लीजिए,
या कुछ कह लीजिए अलग बात है, ये करना पड़ेगा तभी ये अमल हो पाएगा, तभी हमको ये मुकद्दर हो पाएगा, वरना हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पिसते रहेंगे और सिनपट्टे भी हम पिसते रहेंगे, हमेशा पिसते रहे, मिर्चा जिस तरह पीछा जाता हम भी वैसे ही पिसते चले जाएंगे और मार खाते चले जाएंगे, जो और खा पी करके पैदा हो रहे हैं और खा रहे पेट भर रहे और मर रहे, तो असल काम हम भूल चुके हैं। चलिए यूसुफ भाई, आपने एक संदेश दिया है, मैं चाहूंगा कि खास करके पसमानदा मुसलमान इस ओर सोचे, ताकि जो उनकी फटे हाल जिंदगी है उसमें सुधार हो और इस देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। धन्यवाद।